शुभ मुहूर्त में अगर आप इस मंत्र को करते हैं 108 बार जाप, तो आप कर सकते हैं किसी भी स्त्री को अपने वश में। जी हाँ भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप सुपारी के द्वारा कर सकते हैं किसी भी महिला को वश में। जी हाँ, तो मंत्र है ओम भगवते ज्योति नमः। इतना आसान सा एक मंत्र जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस मंत्र से आपको करनी है सुपारी अभिमंत्रित। और सुपारी अभिमंत्रित करने के बाद आपको ये सुपारी खिला देनी है उस महिला को जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ एक सुपारी की, और आप सुपारी ले लीजिए अपने हाथ में और सुपारी को आपको अभिमंत्रित करना होगा, और उसके बाद वो महिला आपके वश में होगी। इस तरह से आपको करना है कि मंत्र का प्रयोग आपको वशीकरण के लिए इस्तेमाल करना है। इस मंत्र से आप किसी स्त्री को वश में कर सकते हैं आराम से। जी हाँ, प्रयोग से पहले आपको स्नान करना है, अपने आप को शुद्ध कर लीजिए। साबुत एक सुपारी ले लीजिए जो कि प्रयोग की जाती है पूजा में, उसे ही आपको अभिमंत्रित करना है, तो आपका जो मंत्र का जो प्रयोग है ये सफल होगा। इस मंत्र को लाखों लोग आजमा चुके हैं, इसका फायदा उठा चुके हैं, आप भी इस मंत्र के द्वारा फायदा उठा सकते हैं। तो आपको क्या करना है भक्तों, कि आपको एक साबुत सुपारी लेनी है। एक साबुत आपको लेना है, सुपारी का जो है टुकड़ा में नहीं होना चाहिए, साबुत सुपारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको लेनी है एक रुद्राक्ष की माला। जी हाँ, जाप करने के लिए आप माला से जाप करेंगे तो आपको पता होगा कि आपने 108 बार जाप किया, नहीं तो आप बिना रुद्राक्ष की माला के भी अगर जाप कर सकते हैं तो आप इसका बस 108 बार जाप कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई महिला जिसके प्रति आप आकर्षित हो जाते हैं लेकिन वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देती, तो इसीलिए ये मंत्र तब काम करता है जब आप किसी को सच्चे मन से पाना चाहते हैं लेकिन सामने वाला आप पर ध्यान नहीं देता है। तो आपको बस क्या करना है कि आपको सुपारी को करना है अभिमंत्रित, और उसके बाद आपको उस महिला को इसे खिला देना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे कितनी बार करना होगा। आपको इसे 108 बार पढ़ना है, और वो महिला को इसका कोई एक छोटा सा टुकड़ा आपको पान के पत्ते में डालकर खिला देना है। किसी भी तरह से आप बस उस महिला को सुपारी खिला दीजिए, वो महिला आपके वश में होगी। इसके अलावा अगर आप बोले तो आपको एक और चीज करनी है जो इसके साथ आपको मदद करेगी, वो ये कि इसी स्त्री को अगर आप वश में करना चाहते हैं तो एक भोज पत्र का टुकड़ा ले लें और उस पर लाल चंदन से उस स्त्री का नाम लिख दें। 3 दिन के लिए इसे सुरक्षित स्थान पर रखें, उसके बाद शहद की डिब्बी में डुबो कर रख दें। वो महिला आपके वश में आ जाएगी और आपकी हर बात मानेगी, आपके लिए दीवानी हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिंदूर रखा है। सिंदूर का उपयोग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि इस मंत्र को पढ़ना है और सिंदूर को अभिमंत्रित कर लेना है। उसके बाद जब आप उस महिला को पान या सुपारी का टुकड़ा खिला रहे होंगे, ये सुपारी पान में रख के खिला रहे होंगे, बस आपको इसमें से एक चुटकी सिंदूर लेकर माथे पर टीका लगाना है। खुद के माथे पर टीका लगाकर आपको ये सुपारी उस महिला को खिला देनी है। आप देखेंगे वो महिला आपके वश में है। जी हाँ, आपके लिए दीवानी हो जाएगी। आप इस उपाय को जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे भक्तों ने इसका उपयोग किया और उनकी मनोकामना पूरी हुई। तो आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ये उपाय करें तो आप हमारे नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप हमें कॉल लगाइए या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप जैसा भी आपको ठीक लगे, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। गुरुजी आपकी हर समस्या का समाधान करके देंगे। धन्यवाद भक्तों।